ट्वेंटी सेप्टेंबर ट्वेंटी बोले तो डिस्चार्ट तो क्या रेट डिसीशन आप सभी को पता है हम उस न्यूज में नहीं जाएंगे प्राइस में क्या आया वो हम देखेंगे इस जो चार्ट है ट्वेंटी का इस चार्ट में उसमें आप देखोगे एक लो मारा है 104.66, उसके बाद जाके क्लोज दिया है हंड्रेड एंड वीकली जो क्लोज है वो है आपका 105.58 दैट मींस द केस एफओएमसी रेट डिसीजंस में ऐसा कुछ हुआ है जिसके लिए डॉलर पॉजिटिव हो चुका है एंड उसके बाद था आपका बीओआई का रेट डिसीजंस ऑन 21st ऑफ सितंबर uh, 21st ऑफ सितंबर बोले तो ये वाला कैंडल 21st ऑफ सितंबर जिसका हाई था आपका 1.2346 एंड वीकली जो क्लोज दिया है वो आपका 1.2234 100 pips lower close नीचे आया है That being the case. का rate decisions ऐसा हुआ जो आपका जीबीपी नेगेटिव यानी स्टर्लिंग पाउंड का नेगेटिव इवेंट्स आया था उसके बाद आपका बीओजे बीओजे फ्राइडे मॉर्निंग में बीओजे का भी रेट डिसीशन था उसके बाद हम देखेंगे कि थर्सडे को एक पॉजिटिव कैंडल बनाया था एंड फ्राइडे को एक बहुत बड़ा सा नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है दैट तो ये जो कैंडल है ये क्या बोल रहा है एक डॉलर येन सॉरी ये येन ना हाँ ये देखिए इसका जो थर्सडे को एक दिया दिया था आपका लेकिन फ्राइडे को वो close दिया तो यहां पे जो बीओजे का था 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 क्या था, क्या नहीं था, आप सभी को पता है हम सिर्फ चार्ट के थ्रू से देखेंगे कि चार्ट क्या बोला है कि इसके बाद क्या एक्टिविटीज हुआ e depreciate किया एंड वीकली हाई पे जाके क्लोज दिया एट वन फोर्टी ये हो गया थ्री मेजर एक्टिविटीजन बीओ का का से हम क्या expect कर सकते हैं यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है वो है आपका 105.50 से 105.70 इसके आपका इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करके स्ट्रॉन्ग क्लोज देना है ऊपर की तरफ अगर इसको और भी ज्यादा जाना है और नेगेटिविटी तभी होगा जब ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे जाके स्ट्रांग क्लोज देगा जो हम काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है सो so, जब तक वैसा सिनेरियो नहीं होता है तो डॉलर इंडेक्स सॉफ्ट होने का नामोनिशान नहीं ले रहा है सो so, अभी देखने वाला चीज यही है 10550 से 10575 ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसको कितने स्ट्रांगली क्लोज दे देता है या मंडे रेजिस्टेंस लेके दोबारा नीचे के तरफ आते हैं डॉलर जो क्लोज दिया है आपका आपका टू ये जो ज़ोन है ऊपर के, तरफ 83, 20, 30, नीचे के तरफ इसको कंसोलिडेट करने देते हैं एंड जब तक ये आयदर डायरेक्शंस में एक ब्रेकआउट नहीं करता है अभी आप देखोगे एक डेली का एक ट्रायंगल बना हुआ है इस ट्रायंगल के ऊपर जाके जा अगर क्लोज देगा तभी जाके ऊपर की तरफ हम देखेंगे और नीचे क्लोज देता है तो लोअर टाइम के लिए हम देखेंगे लेकिन ऊपर की तरफ 8330 8340 में इनविजिबल हैंड्स आर ट्राइंग टू डिफेंड द लेवल मींस रुपी ट्राइंग टू डिफेंड द रुपी फ्रॉम फर्दर डेप्रिसिएशंस दैट बीइंग द केस इसमें प्राइस को कंसोलिडेट होने देते हैं लेट द पिक्चर बी क्लियर पिक्चर एज़ पर एज़ पर इज़ द चार्ट इज़ कंसर्ट क्लैरिटी नहीं है जीपीपी डॉलर में अच्छा खासा वीकनेस एंड जो ट्रेडिशनल सपोर्ट लेवल था उसको तोड़ के काफी नीचे आ चुका है डेट बिंग द केस यहां पे और वीकनेस का हमारा एक्सपेक्टेशंस है मीन्स uh, नेक्स्ट जो टारगेट बन सकता है आपका 1.2050 ये टारगेट तभी पॉसिबल है जब ये कंटिन्यूअसली लोअर है लोअर लो फॉर्मेशंस में बढ़ करा रहेगा दैट बीइंग द केस आपका सेल ऑप्टिक्स में भी कंसीडर्ड इन दिस इंस्ट्रूमेंट टिल लोअर लोअर जी पी पी आई एन आर में भी अच्छा खासा नेगेटिविटी देखा गया एंड ये सपोर्ट जोन को तोड़ के नीचे चला गया है दैट बीइंग द केस यहाँ पर भी हमें सेल ऑप्टिक्स करना है जब तक हायर हाई हायर हाय लो फॉर्मेशन नहीं होते हैं

आई एम जस्ट नॉट ट्राइंग टू कंफ्यूज यूज आप के लिए मैंने बोला जो होते हैं, जो पंगा लेने में बहुत अच्छे लगते हैं उनके लिए बाइंग कॉल्स है और जो डिफेंसिव प्लेयर्स है उनके लिए सेल हमने डिस्कस किया ये काफी ऊपर जाके क्लोज दिया है एट वन फोर्टी थ्री सिक्स यहाँ पे हमें अभी भी इंतजार है एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग का लेकिन आ नहीं रहा है दैट इज द क्वेश्चन अभी एक चीज ये है कि कल का जो लो है दैट मीन्स फ्राइडे का जो लो है 147.50 इसके नीचे एक सेलिंग मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हालांकि इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं एक मॉडरेट सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग तभी होगा जब बीओजे कुछ बढ़िया सा इंटरवीन करते हैं तो एन आई एन में भी कॉन्सोली बरकरार है आप यहाँ पे फोर्टी के अराउंड ओवर करके सपोर्ट लेने का तैयार कर रहे अभी तक सपोर्ट मिला नहीं है दैट बीइंग द केस पे आपका हाई के ऊपर इन सचे केस यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं अच्छा खासा बोले तो थे एक रुपया दो रुपया वाला नहीं थोड़ा बहुत मे बी थर्टी पैसा मे बी फिफ्टी पैसा का क्योंकि इसको अगर बड़ा एक से दो रुपए का अगर मोमेंटम करना है तब यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो से हायर हाई हायर लो पे जाना पड़ेगा डॉलर कैंडी कल एक पिन बार बनाया हुआ है बैक टू बैक तीन लोअर लेवल पे पिन बार है एक अपर लेवल पे पिन बार है हायर साइड पे दैट बीइंग द केस ये जो आपका थर्सडे का हाई एंड आपका ये नाइनटीन सेप्टेम्बर का लो बिकम्स ए क्रोशियल जोन इस ज़ोन के साइड ब्रेकआउट पे एक मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डॉलर डॉलर में 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 कंसोलिडेशन इस बॉक्स बॉक्स के अंदर अंदर रेड जो है इसके अंदर में बढ़ रहे। तो जब तक इस के नहीं करते हैं, तब तक करना नहीं चाहिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन इज रेन शिफ्ट डेली आर एस आई ट्राइंग टू टेक द रेन शिफ्ट बट एट

रेगुलर बेसिस में हमें मॉनिटर करना है ऑल्सो दीबीओसि सो ये ट्रेन लाइन के नीचे अगर क्लोज दे देता है थोड़ा सा हल्का साइज पीबीओसी का हमें में करना है. <coughs> जो दिया है, वो है आपका नाइनटी टू पॉइंट टू एट देट मीन के एक अच्छा खासा प्राइस मूवमेंट हो रहा है ये ब्रेकआउट किया है आप कहते हैं नाइन नाइनटीट का ऊपर गया सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया अभी दोबारा ये अब देखो कि कि सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है दैट मींस द केस ये जो स्विंग हाई है इसके इस स्विंग हाई के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सो so, क्या इसके हाई के ऊपर एक फर्दर अपवर्ड मोमेंटम हम सोच सकते हैं यूएस 10 ईयर ट्रेजरी आपका फ्राइडे को जो क्लोज दिया 4.436 में ये हायर मोमेंटम पे ही हायर टेरिटरी में ही भागने का मिस चलने का मीन्स प्रयास कर रहे हैं सो so यहाँ पे बाई डिप्स में बी कंसीडर्ड एंड टू ईयर ट्रेजरी एट फाइव पॉइंट एलेवन सो यहाँ पर भी अच्छा खासा डेली टाइम टू टेक सपोर्ट एट सिक्सटी डेट मिंग यहाँ पर भी एक अपॉर्ड मोमेंटम इस स्विंग हाई के ऊपर यानी थर्सडे के हाई के ऊपर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सो करेंसी प्री मार्केट